ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है और श्रावण के पवित्र महीने में पड़ने वाली इस एकादशी व्रत का अत्यधिक महात्म्य बताया गया है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक करते हैं एवं कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा सुनने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें और श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरे श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत की कथा विधान सहित सुनाएं। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करता है तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उसे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नर्क के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। कामिका एकादशी की एक पौराणिक व्रत कथा के अनुसार किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन उस ठाकुर का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर के उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी उस ठाकुर ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इससे व्यथित उस ठाकुर ने एक ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय जानना चाहा।
इस पर ऋषि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने को कहा। इसके बाद उस ठाकुर ने ऋषि की आज्ञा अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, ठाकुर तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित हो गया और अब तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इसीलिए इस एकादशी व्रत को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत चेतना से सभी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ग और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अर्थात कथा का सार यह है कि भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्री हरि हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण से मिलती है। हरि ही ओम। सभी मिलके बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।